हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर शहर के डाक बंगले में सामाजिक कार्यकर्ता रणवीर सिंह भादू ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में पत्रकारों से रूबरू होते हुए बीजेपी सहित कांग्रेस सरकार का घेराव किया। उन्होंने कहा कि किसान देश का पेट भर रहा है, साथ ही किसान का बेटा बॉर्डर पर देश की सुरक्षा में जुटा है, उसी किसान की देश में स्थिति दयनीय है। कांग्रेस सरकार ने किसानों को बीमार कर दिया, वहीं बीजेपी सरकार ने किसानों को आईसीयू में भर्ती कर दिया। भादू ने कहा कि सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं बाड़मेर के किसानों की बात कर रहा हूं, जिन फसलों का सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाया है वे फसलें बाड़मेर में आवश्यकता से कम होती हैं, तो इससे किसानों को क्या फायदा होगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसानों का भला चाहती है तो जिले में अधिक मात्रा में उत्पादित हो रही फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाए, जिससे किसानों को फायदा मिले और किसान राहत की सांस ले सके। सर, क्या आज प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य था? जी 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 जी, वर्तमान मोदी सरकार ने 4.5 साल बाद में किसानों को लागत का 1.5 गुना मूल्य देने की जो घोषणा की है, कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है, इसके ऊपर मैं बताना चाहता हूं कि जो MSP रेट सरकार ने की है वह A2 फार्मूले के तहत की है, जबकि देश का किसान C2 फार्मूले के तहत MSP रेट मांग रहा है, नंबर एक बात। दूसरी चीज, किस मोदी सरकार ने यह कहा है कि हम 1.5 गुना समर्थन मूल्य MSP रेट देंगे किसान को, तो जब बाड़मेर की बात मैं कर रहा हूं, बाड़मेर के अंदर एक भी खरीद केंद्र नहीं है, तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से माननीय मोदी जी को ये बताना चाहता हूं कि आप वसुंधरा सरकार को ये निर्देश जारी करें कि बाड़मेर के अंदर प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर खरीद केंद्र खोलेंगे तभी ये किसान को भाव मिलेगा। दूसरा, जिन MSP रेट 14 फसलों का मूल्य तय किया है, उन 14 फसलों में से बाड़मेर में केवल 3 फसल ली गई है, उसमें बाजरा, मूंग और तिल है, जबकि बाड़मेर के अंदर बाजरा, मूंग और तिल इतनी ही मात्रा में होता है जितनी उस किसान को आवश्यकता होती है, इसलिए वह मार्केट में बेचने लायक ही नहीं है। बाड़मेर के अंदर बेचने लायक जो फसलें हैं, जो होती हैं, वह है जीरा, इसबगोल, अरंडी, मोठ और ग्वार। इन फसलों की MSP रेट तय करें। हम बाड़मेर के किसान देश के प्रधानमंत्री से ये मांग कर रहे हैं कि आप इन फसलों की MSP रेट C2 फॉर्मूले के तहत घोषित करें और साथ में सभी मंडियों को ये निर्देशित करावें कि उन भाव को मंडियों फॉर्मूला और C2 फॉर्मूला क्या है, थोड़ा समझा जी। A2 फॉर्मूला ये है, A2 फॉर्मूले के तहत किसान की जेब से जो पैसा खर्च हुआ फसल बोने में, वह साथ में उसका पारिश्रमिक, उसकी मतलब मजदूरी, ये दो जोड़ा जाता है, जबकि किसान ये मांग कर रहा है कि हमें C2 फॉर्मूले के तहत दिया जाए। C2 फॉर्मूला ये कहता है कि किसान के जेब से लागत प्लस उसकी मजदूरी प्लस उसकी जमीन, जमीन का मूल्य और साथ में जो उसने पूंजी लगाई है उस पूंजी का ब्याज, ये जोड़ के हमें MSP रेट चाहिए, ये देश का किसान। और ये रिपोर्ट 2007 के अंदर देश का एकमात्र किसान आयोग बना था, एस स्वामीनाथन आयोग, उस आयोग ने सिफारिशें कर दी थी, परंतु देश की मोदी सरकार 2007 में, परंतु आज दिन तक उन सिफारिशों को दबा दिया गया। आपने ऋण माफी पर भी सवाल उठाए हैं, जी, फसल जी, प्रीमियम का जो काटा जा रहा है। जी 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 जी, फसल प्रीमियम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके तहत किसानों को बिना पूछे, आज दिन तक कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका बिना पूछे किसी का बीमा किया जाता है, केवल और केवल देश के किसानों की फसलों का किसान को बिना पूछे बीमा किया जा रहा है और अरबों रुपए काटे जा रहे हैं। जबकि बाड़मेर की मैं बात करूं तो उन फसल बीमा का एक भी केंद्र मतलब नहीं है, या ऑफिस नहीं है बीमा करने वालों का। अब बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में जीरा होता है, इसबगोल होता है, अनार होता है, ये अपने अरंडी होती है, ग्वार होता है, इनका तो कहीं है ही नहीं। और पिछले वर्ष की मैं बताऊं, बाड़मेर में 3 तहसीलें ऐसी रही, ये केवल और केवल गिरधावरी रिपोर्ट के ऊपर तय करते हैं सर, कि गिरधावरी रिपोर्ट यदि आपकी अकाल बताया है तो ही किसान को उसका फसल बीमा का मूल्य मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा बीमे का पैसा। तो बाड़मेर के अंदर शिव
चौटन और बाड़मेर तीन तहसीलें ऐसी रही पिछले वर्ष जहां एक भी किसान को एक रुपये का भी बीमे का क्लेम नहीं मिला और अरबों रुपए काटा जा रहा है किसान से बिना कुछ। ऋण माफी जो चल रही है जी, इसके बारे में बताइए। जी जी, ऋण माफी, ऋण माफी के अंदर किसान ने शर्तें लगा दी बहुत सारी के 2 हेक्टेयर जिसकी जमीन है उसका 50,000 तक ऋण माफ करेंगे, जबकि बाड़मेर के अंदर तो 2 हेक्टेयर से ऊपर ही जमीन है, 2 हेक्टेयर वाले जमीन वाला किसान भी नहीं है। पहली बात तो यदि कोई किसान कुछ 1-2% है तो उनको आपने ऋण 50,000 तक दिया ही नहीं है, उसमें भी शर्त है कि आपके 2 हेक्टेयर है तो आपको 20,000 रुपए ही ऋण मिलेगा, उससे ज्यादा ऋण ही नहीं मिलेगा, तो माफ क्या करेंगे? तो ये भी सरासर यूं ही झूठी वाहवाही लूट रहे। ओके सर, थैंक यू। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।